और आइंदा 50 करोड़ साल के बाद क्या होगा,
वो सब अल्लाह को मालूम है, आइंदा भी जो होने वाला है सब अल्लाह को मालूम है। इस बिना पर अल्लाह ताला जौन सा रास्ता और तरीका तजवीज करके देंगे, वो रास्ता और तरीका आइंदा आने वाले सारे हालात और जमानों को सामने रखकर होगा। इस बिना पर उस रास्ते में कामयाबी यकीनी है, दूसरे रास्तों के अंदर कामयाबी गैर यकीनी भी नहीं कहूंगा बल्कि नाकामी यकीन होगी, क्योंकि आइंदा आने वाले जमाने का कोई पता नहीं आदमी तौर पर चलता है। अच्छा, एक मरतबा अमरीका में रहने वाला एक यहूदी जो तहरिया बन चुका था, वो हमारे यहां हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आया, तो उन दरगाह के जो जिम्मेदार हजरात थे उनसे उसके कुछ सवाल आए। तो हमारी जो मस्जिद है जिसमें तबलीग का काम होता है वो भी उसके करीब ही है, तो दरगाह वालों को यह मामूल है कि वो ऐसी कोई टेढ़ी मेढ़ी बात कोई करे दीन के बारे में कुछ पूछने आ गए तो वो हमारे हवाले कर दे, तो वो इनको समझ तो हमारे हवाले कर दिए। तो एक आदमी था एक औरत थी, अब ये तो मुझे मालूम नहीं कि वो उसकी पीढ़ी थी बहन थी या जो कुछ भी थी, हमें इधर इसकी तहकीक में इसको हमें तहकीक करने की जरूरत, वो उससे भी ज्यादा समझदार थी। मैंने अंग्रेज ने कहा अंग्रेज जी मैं तो औरत है, मैं इससे कैसे बात करूं, मर्द एक औरत है, तो अगर कहा मैं अपनी आंखों का पर्दा हम कर सकते हैं तो अब तो बैठी रही उम्र से बात करूं, तो खैर वो अंदर दाखिल हुआ। उसने एक बात कही मुझसे, उसके कई बातें कही, एक बात उसने ये कही कि कुरान जो है, क्या मैं इतनी बातें सुना रहा हूं तो आप हजरात को इसके सामने पढ़ते रहते हैं इन मुल्कों में और आप हजरात अल्लाह के दीन का काम करने उठते हो, इस तरह की बहुत सी बातें जहन को तशवीश में डालने वाली आती है, इसलिए आप लोग मुस्तहिक हैं इस बात के समझने के, इसलिए मैं समझने में इस बात को कर रहा हूं। इसलिए थे कि मैं आपको दीन का काम करना है यूरोप में, मेरी नीयत पे मेरी नीयत भी है, तुम भी नीयत कर लो ना भाई, दीन का काम कर लो, तुम भी नीयत कर लो, मैं भी इस नीयत से बात करूं, आप इस नीयत से बात को सुनू। उसने ही कहा कि कुरान जो है ये ऊंटों के जमाने का मजहब है और ये है जमाना रॉकेट का, तो ऊंटों के जमाने का मजहब रॉकेट के जमाने में कैसी चीज है, ये उसका सवाल था। मैंने उससे यूं कहा तो क्या होना चाहिए, इसलिए भाई जब कोई आदमी उनसे बात करता है तो दिल में गुस्सा हो गया कि मुनासिब नहीं हो, लेकिन आपके बच्चे को समझाओं सुंदर ना हो सर में दयावत में हमारी सबके लिए जरूरी है कि भाई कोई बात इस किस्म की करें तो उसको ठंडे दिमाग से समझाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और बहुत आसान से तरीका समझाने का ये है कि मुसलमान में इस्लाम आ जाए तो लोगों को सुनाई ना आए। आज मुश्किल ये हो गई कि इस्लाम तो है किताबों में, अब मुसलमान से कुछ सवाल करते हैं इस्लाम का हो तो बेटा किताबों में है, सोचो पहली सदी के अंदर अगर कुछ पूछता इस्लाम कहां तो उससे कहा जाता इस्लाम देख रहा है तो तीन मुसलमानों में देख रहे, तीन मुसलमानों में तो जो देखेगा वो इस्लाम होगा, इनका खाना अगर तू देखेगा तो इनका खाना इस्लाम, इनका लिबास इस्लाम, इनका चेहरा इस्लाम, इनका पीना इस्लाम, जब मरते हैं तो मरने के जो रसूम करते हैं वो सारा इस्लाम, शादियों में जो करते हैं इस्लाम, तो ये इस्लाम अगर देखना है तो मुसलमान में देख पहली सदी में तो ये था, और आज अगर किसी से कहा जाए कि वो इस्लाम कहां है तो अगर लिटरेचर के अंदर हम लोग देख इस्लाम तो कुछ नहीं है, मुसलमान के अंदर इस्लाम दिखाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए लोगों को इस्लाम समझ में नहीं आता। जब ये यूरोप वाले इस्लाम को किताबों में देखते हैं तो बहुत मुतासर होते हैं, अजीब कहते हैं तो इतना अजीब शान इस्लाम,
ऐसे अरब के जो पानी के घाट पर लड़ाइयां करते हैं, इस इस्लाम ने उनको इतने ऊंचे मैदान पर पहुंचा दिया। जब हैरत में रह जाते हैं अमरीका वाले भी यूरोप पर, जब इस्लाम की वो लोग कुश्ती भी करते, जब इस्लाम का जो वो मुतारा किताबों में करते, उन्हें हैरत हो जाती और वाकई है इस्लाम ऐसा। www.attableek.com The Reviver of Iman. सातों आसमानों से ऊपर से जाकर उसने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुबारक तरीके को लेकर आए हो, उस मुबारक तरीके में अल्लाह ने कितनी जाजियत और कोशिश रखी होगी, जिसके बयान में इतना असर होता है, जिसकी किताबों में इतना असर होता है। तो अगर अपनी जिंदगी मुसलमान में आ जाए तो लोगों की इतनी खामी नहीं चल सकती, इतनी कोशिश अल्लाह ने इस्लाम के अंदर रखी। जैसे लोहे की तरफ लोहा मकना पीस की तरफ खींचता है, इस तरीके से कई भी इंसानियां जो है वो इस्लाम की तरफ खींचती। अरबों का इस्लाम से पहले जो हाल था, यूरोप जो देखता है वो ये देखता है, अरबों का इस्लाम से पहले जो हाल था, उनकी लड़ाइयां सिर्फ इस बात तक हो जाती थी कि तेरे ऊंट ने मेरे घाट पर आकर पानी क्यों पिया, उसकी लड़ाई होगी। और ऐसी चली ऐसी चली ऐसी चली तो इधर वाला खानदान भी खत्म, उधर वाला खानदान भी खत्म, सिर्फ एक एक तेल बेटा के बच्चे। अब वही भी कह रहे हैं कि अब हमने से तेल दूसरे को मार देगा तो जो बच गया वो बदनाम होगा, कि जान बचा जाएगा। तो अब वो आपस में सेटलमेंट करते हैं, मेरे गले पर तेरी तलवार, तेरे गले पर मेरी तलवार, चला देंगे तो दुनिया में बदनाम हो जाएगी, ये दोनों खानदानों में जान दी फ्राई कर दी पानी के पानी। ये अरबों का हाल इतना है, इसको मैं तफसील से बयान करूंगा बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो एक निशान बयान कर देंगे। अगर आपको ज्यादा शोर पुस्तिका होगी तो ऐसे थे अरब, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर मेहनत की और इस्लाम के जरिए इनकी तरबियत करना। अब ये अरब पूछे मैंने कहां तक पहुंचे, इसके दो किस्से सुना। हजरत उमर फारूक रबी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने एक आदमी जिसका नाम था उम्र मुजान, बहुत ही दगाबाज आदमी था, उसने बहुत से जलील कदर सहाबा को शहीद कर दिया था, भूखे भी लेकर जड़ी वाला खिलाफी करने वाला पकड़ा जाता नहीं था। एक मुकदमा पकड़ा गया, जहां से पकड़ा गया वहां से लाया गया मदीना, मदीना मनोरमा में औरतों और बच्चों में खुशी हुई कि हमारे बाप या हमारे शोहर के कातिल को आज कत्ल किया जाएगा। सब गुस्से में भरे हुए थे, ऐसे आदमी को मार भी डालना चाहिए। हजरत उमर के सामने लाया गया, हजरत उमर ने उससे कहा तुमने फलाम कदम यू किया, यू की रोशन गिराया और वो थर्रा रहा है, पानी मांगा, उसे पानी दिया, हाथ उसका कपकपा रहा था। तो हजरत उमर ने कहा डरे मत, पानी पी ले, डरे मत, तुझे पानी पी लिया। जल्लाद से कहा उठा तलवार और मार दे गर्दन, जल्लाद ने हाथ उठाया गर्दन मार दे, जो सहाबी उसे पकड़ कर लाए, कितनी दूर से लाए, कितनी तमन्नाओं से लाए, कितने सालों के बाद वो पकड़ा गया, कितने लोगों की तमन्ना थी कि मारा जाए, वही सहाबी जो मरने वाले थे उन्होंने जल्लाद का हाथ पकड़ लिया और पकड़कर हजरत उमर से इनका कहा अमीर मोमिनीन अब आप इसको मार नहीं सकते, अब आप इसको मार नहीं सकते। हजरत उमर ने पूछा क्यों, उनका इसलिए कि आपने उससे कह दिया था डरे मत, तो डरे मत जो है ये अमन का जुमला है और मुसलमान किसी को अमन देकर फिर भी मांगे। हजरत उमर ने कहा कि ये डरे मत अमन का जुमला है, गवाह ला, गवाह ला
जो जवाब मिल गए उनका बिल्कुल ही अमन कर दिया है। हालांकि डॉक्टर हजरात बैठे होंगे तो ऑपरेशन के मौके पर मरीज को कहते दे रहे मत, इसका ये मतलब नहीं है मैं काटू मैं काटे हैं तो सही, लेकिन जब दवा मिले भी अमन का जुमला है तो हजरत उमर ने उसे छोड़ दिया। जब छोड़ दिया उसे कतल नहीं दिया तो अब उसके दिमाग में कहा कि यहां राज्य लोग ऐसे हैं, पूरी मेजोरिटी पूरा पावर पूरी ताकत इनकी है, इनकी हुकूमत में मैं आया हूं पर मैंने इतनी इतनी गद्दारियां की हैं और कानून इलाही का इनके दिलों में इतना एहतराम है, अल्लाह की हुकूम का इतना एहतराम है। उसी वक्त गुरमुजान ने कलमा पढ़ दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तलवार को होकर उसने कलमा नहीं पढ़ा बल्कि अखलाक के वो अंदर आकर उसने कलमा पढ़ा। इस्लाम जो है वो अखलाक से फैलाए, तलवार से नहीं पढ़ा, मुसलमानों के अखलाक से इस्लाम फैला। एक किस्सा दुनिया आपको मिलेगा और एक किस्सा हजरत अली का है रज़ी अल्लाह तआला। खिलाफत का उनका दौर था, पूरी जाहो जलानी थी, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के सिरे खोई गई, एक यहूदी ने ली थी। हजरत अली ने देख लिया कि यहूदी के पास है, पहचान लिया, तू कहा भाई ये सिरे तो मेरी है। यहूदी ने कहा कि नहीं आपकी नहीं है मेरी है। उसको हजरत अली की जाहो जलानी हुकूमत थी, वे कह सकते थे कि थप्पड़ मार के भी ले सकते थे, किसी से थप्पड़ लगवा के ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा ऐसे में नहीं रुकना, काजी शरीफ के पास चलो कचहरी में, इस्लाम का जो फैसला होगा उसके मुताबिक मैं अमल करूंगा। चले गए काजी शरीफ थे, काजी शुरे उन्होंने कहा आइए अमीरुल मोमिनीन। तो हजरत अली का मैं इस वक्त अमीरुल मोमिनीन होने की हैसियत से तुम्हारे पास नहीं आया हूं बल्कि एक मुद्दई होने की हैसियत से मैं आया हूं, इस बिना पर मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, कोई ये यहूदी मुद्दा आ रहा है ये मेरे पास खड़ा रहेगा, पर हमारा एक मामला है उसे तुम सुन लो और शरीयत के फैसला हो कर। क्या मामला है? इन्होंने कहा कि सिर्फ मेरी है। यहूदी ने कहा कि इनकी नहीं है। तो काजी ने कहा इस्लाम का फैसला ये है कि अलबैनत अला मुद्दई वल यमीन अला मन अनकर, गवाह तो मुद्दई लावे, गवाह तो मुद्दई लावे, दावा करे वो गवाह ला, अगर वो गवाह न ला सके तो जिस पर दावा किया गया वो कसम उठा ले तो डिग्री उसके हक में हो जाएगी। तो अमीर मोमिनीन अब दो गवाह लाएंगे कि ये सिरे आपके। हजरत अली दो गवाह लाए, एक तो हजरत इमाम हसन के उनके साथ जाते और एक उनका खादिम, उन दोनों ने अपने गवाही दी काजी के सामने जज के सामने कि ये सिरे हजरत अली की है, हम पहचान गए। काजी हुसैन ने कहा कि अमीर मोमिनीन शरीयत का मसला ये है कि खादिम की गवाही मालिक के हक में कबूल होती है लेकिन बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं होती। तो हजरत हसन की गवाही आपके हक में कबूल नहीं है, आपको एक और गवाह लाए। तो हजरत अली ने कहा कि इस सिरे के बारे में मेरे पास तीसरा कोई गवाह नहीं है। तो काजी शुरह ने कहा कि ये सिरे आपको नहीं मिल सकती इस्लामी कानून के एतबार से और खुदाई कानून के एतबार से, हक क्या है ना क्या है इसकी है कि वो अल्लाह ही जाने, लेकिन हमारा जाब्ता कानून इस्लामी ये है कि आपको नहीं मिलते। तो हजरत अली ने उफ तक नहीं कहा, अंदाज लगाओ चार झूठों चार सच्चों के बीच में एक झूठा, वो तो झूठा था यहूदी तो झूठा था और चार सच्चे हजरत अली सच्चे, उनके साहबजादे उनका खादिम और काजी शुरे भी समझ रहे थे कि अमीर मोमिनीन झूठ नहीं बोल रहे, वो भी समझ रहे लेकिन कानून शरीयत की रियायत से ही उन्हें फैसला करना था, वो कर दिया और वो जिरह जो कि वो यहूदी के पास बाकी रखी कभी अभी थी चूंकि गवाह न ला सकती। अब वो यहूदी सोच में बढ़ गया, ना इनकी हुकूमत इनकी ताकत
भी सच्चे, लेकिन आसमानी कानून का इनके दिलों में इतना एहतराम है, उसने वही तो लाएगा सल्लासन करना पड़ेगा। तो इस्लाम अखलाक के जोर से कहना, तलवार के जोर से नहीं, इसे आपको जहन में रख लेना, ये मेरा जुमला काम आएगा। लेकिन क्या आप तो समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं, और जो लोग नहीं समझे तो उन्हें समझाना भी नहीं, इतना ही काट लीजिए, इतना मेरा कह दिया नहीं काट लीजिए। अच्छा, उसने कलमा पढ़ लिया, और कलमा पढ़ के उसने यूं कहा, हजरत अली ने दी, और देने के बाद यूं कहा कि हिरत कोई ऐसी अहम चीज नहीं है, हमारे नजदीक तो पूरी दुनिया की कोई अहम चीज नहीं है, हमारे नजदीक तो पूरी दुनिया के मच्छर के पर के बराबर भी नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं है, हमारे हाथ तो कानून इलाही जो है वो अहम है, बस वो टूटने ना पाइए, तुझे हमें दिखलाना था कि हम खुदा के कानून का कितना एहतराम करते हैं, तेरे सामने आके जिले गई तो गई, इसकी हमारे यहां कोई अहमियत नहीं, मुल्क हाथ में आए या मुल्क हाथ में जाए, मुल्क हाथ से जाए, मुसलमान के यहां इसकी अहमियत नहीं है, मुसलमान की कामयाबी मुल्क के आने में है और मुसलमान की नाकामी मुल्क के जाने में है, मुल्क का आना और जाना ये मुसलमान की कामयाबी नाकामी का मेयार नहीं है, मुसलमान की कामयाबी नाकामी का मेयार हुक्म इलाही का पूरा होना और हुक्म इलाही का टूटना। अगर खुदा का हुक्म पूरा होकर 15 लाख रुपया हाथ से निकल गया तो ये मुसलमान कामयाब है, और हुक्म इलाही टूटकर अगर 15 लाख रुपया हाथ से आ गया तो ये मुसलमान नाकाम है। इसके हाथ में मुल्क और माल का आना ही कोई अहम नहीं है, मुल्क और माल का जाना कोई अहम नहीं है, हुक्म इलाही का टूटना ये हुक्म इलाही का पूरा होना ये इसके हाथ अहम है, ये बता दिया। उस यहूदी ने कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ने के बाद हजरत अली ने वो जिरह अपनी तरफ से उस यहूदी को दे दी और यूं कहा कि मेरी तरफ से जिरह दिया, उसे इस्तेमाल कर मेरी तरफ से हदिया दिया, तुझे सिर्फ अल्लाह का कानून बताना था और हम लोगों को मुसलमानों का एक मिजाज बताना था कि हम इस मिजाज के। अब यूरोप जब इस किस्म के वाकयात किताबों में देखता है तो उसकी समझ में आ जाता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब जो है वो तो इस्लाम है। अच्छा, अब यूरोप उसके बाद फिर मुसलमानों को देखता है कि इतना अच्छा मजहब रखने वाले मुसलमान जो है उनमें ये इस्लाम है कि नहीं, जब वो इन मुसलमानों में इस्लाम देखता है तो वो ये देखता है कि इन मुसलमानों ने किताबों में लिखा हुआ इस्लाम नहीं, बल्कि ये मुसलमान जो है ये तो खुद हमारे तरीके पर चल रहे हैं, मॉडर्न तरीके पर, ये मुसलमान मोहम्मदन तरीके पर नहीं चल रहे बल्कि ये मॉडर्न तरीके पर चल रहे। तो अब यूरोप का जहन क्या बना, यूरोप का जहन ये बना कि इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है लेकिन ईंटों के जमाने के लिए, रॉकेट के जमाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका हमारा मॉडर्न तरीका है कि इसी तरीके को मुसलमान ने अपना लिया। अब बताओ हमारे लिए कितनी शर्म भरी चीज है, कितनी शर्म भरी चीज, वो इस्लाम के फैलने में मुसलमान रुकावट है, इस्लाम के फैलाने के जज्बात हैं, इस मुसलमान में इस्लाम के फैलाने के जज्बात हैं, फैला दो, इसके लिए पैसे जितने चाहो वसूल कर दो इस मुसलमान से, इसके लिए इस्लामिक सेंटर जितने चाहो बनवा लो इस मुसलमान से, इसके लिए बड़ी बड़ी हुकूमतों से जितनी चाहे रकमें खर्च करवा लो इस मुसलमान से, और पूरे यूरोप में ऐसे इस्लामिक सेंटर वगैरह बहुत आपको मिलेंगे, इस्लाम के फैलाने का खूब जज्बा है, इसके लिए इतवार के दिन जमा कर लो मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर, इसके लिए भी तैयार है, इस्लाम के नाम पर इन्हें जमा करो इसके लिए भी तैयार है, और सब कुछ करने में तैयार है इस्लाम को फैला दो। लेकिन हर मुसलमान मजहबान हाल यू कहता है पैसे हमसे ले लो, जो चाहो हमसे ले लो, ताइद हमसे ले लो, इस्लाम को दुनिया भर में फैला दो
लेकिन अल्लाह के वास्ते इस इस्लाम को मेरे घर के अंदर घुसने मत देना। क्यों? या अगर ये इस्लाम मेरे घर में घुस गया तो मेरी बीवी को पर्दे में रहना पड़ेगा और मैं फिर बैंकों से लेन देन सूद की फिर नहीं कर सकूंगा। और विटामिन आर, क्या कहते हैं आप लोग, मैं नहीं जानता, विटामिन आर, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी कॉम्प्लेक्स, ये तो डॉक्टर लोग पूछे, और विटामिन आर ये अक्सर उनसे पूछे, ये मेरी शुगर, समझो विटामिन आर भी मैं नहीं ले सकता। इस बिना पर इस्लाम को अगर मेरे घर के अंदर तुमने दाखिल कर दिया तो फिर मेरा लिबास भी बदलेगा, मेरा चेहरा बदलेगा, मेरी बीवी के सारी तरतीबें बदलेंगी, तो मैं सोसाइटी में फिट नहीं हो सकूंगा। तो इस बिना पर इस्लाम को दुनिया के अंदर तो फैला दो, लेकिन अल्लाह के वास्ते मेरे घर के अंदर इस्लाम को दाखिल मत होने देना। ऐसा ही गैरत में टूट मरने की बात है। आज मुसलमान ये कह रहे जबान से कोई नहीं कह, आज का मुसलमान इस्लाम में से सिर्फ उतना हिस्सा लेता है जितना अपनी तबीयत के मुआफिक है और जितना अपनी तबीयत के खिलाफ है वो नहीं लेता, वो यूरोप से लेता है। तो गोया तबीयत के मुताबिक जितना इस्लाम ले लिया वो तो ले लिया, और जितना इस्लाम तबीयत के खिलाफ वाला इस्लाम था वो छोड़ दिया, उसमें मॉडर्न तरीका ले लिया। तो दूसरे लफ्जों में मुसलमान का एक पैर तो इस्लाम के अंदर है और मुसलमान का दूसरा पैर इस्लाम के बाहर है। इस्लाम के अंदर मुसलमान का कौन सा पैर है? मौलाना खाना कमाना भी तो दीन है, ये पैर तो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। मौलाना बीवी बच्चों को हुकूक अदा करना, ये भी तो दीन है, इस्लाम के अंदर ये पैर दाखिल हो गया। मौलाना बाप मर गया तो उसका विरसा लेना, ये भी तो दीन है, ये पैर भी दाखिल हो गया। मौलाना सियासत के अंदर कदम रखना, वोट लेना, कोई अहदा हासिल कर लेना, तो इस्लाम को फैला देना, ये भी तो मौलाना साहब दीन है। क्या सियासत दीन में नहीं है? मौलाना साहब जरा फरमाइए, एक साहब आए कहने लगे, मौलाना क्या दीन में सियासत नहीं है? तो उनसे कहा गया कि सियासत के क्या माना? अगर सियासत के माना जो चाहो कर लो, धोखा दे दो, झूठ बोलो, अमन करो, खयानत करो, गर्दने काटो, टोपियां उछालो, गोलियां मारो, अगर सियासत के ये माना है तो ये सियासत तो इस्लाम में नहीं है। और अगर सियासत के ये माना है कि अमानतदार बनना, लोगों की खिदमत करना, कस्म पूछों के काम आना, जितनी मुसीबतों में खैर खबर लेना, ये दुनिया के अंदर फैलाना, अगर सियासत के ये माना है तो ये सियासत इस्लाम में है। अब फरमाइए आप कौन सी सियासत के बारे में कह रहे हैं? तो इस तरीके से वहां से वो आदमी गायब हो गया कि पीछे मुड़के भी उसने नहीं देखा। मेरे मुख्तरम दोस्तों, मैं सच अर्ज करता हूं, जितना तबीयत के मुआफिक है उतना इस्लाम पे नहीं, जितना तबीयत के खिलाफ है उतना इस्लाम छोड़ दिया। तो एक पैर इस्लाम के अंदर है, एक पैर इस्लाम के बाहर है। और अल्लाह ताला यूं कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वला तत्तबिऊ खुत्वातिश शैतान। ऐ मुसलमान, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, शैतान के पीछे मत चलो। ये गलत है कि एक टांग अंदर एक टांग बाहर। बाहर वाला व्यक्ति इस्लाम में आना चाहता है तो वो कहता है कि मुसलमान इस्लाम के दरवाजे पर खड़ा है, एक टांग अंदर एक टांग बाहर, हम किस तरीके से अंदर दाखिल हो। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो टांग इस्लाम के बाहर है वो टांग इस्लाम के अंदर कर दी जाए, ताकि मुसलमान पूरा का पूरा इस्लाम में चला जाए तो इस्लाम का दरवाजा खुल जाएगा। और अगर हमारी जो तबलीग है उसका यही काम है कि जिसकी टांग इस्लाम के बाहर है उसकी टांग इस्लाम के अंदर कर दो, तो बहुत सुखी हो गई। इंग्लैंड के अंदर भी बहुत सुखी हो गई, फ्रांस के अंदर भी बहुत सुखी हो गई। 20 साल पहले एक मस्जिद थी और जुमे के दिन खुला करती, इतवार के दिन खुला करती थी जुमे की नमाज पढ़ने,
अल्लाह का गजर है कि इस वक्त में 400 से ज्यादा मकामात में इंग्लैंड में नमाज हो रही है पंज वक्ता और कुरान भी पढ़ाया जा रहा है। फ्रांस का भी हाल था 1973 में 1963 में जब हमारी पहली हाजिरी हुई फ्रांस में तो पेरिस के अंदर वो एक मस्जिद थी, अभी भी है वो सरकारी और कुछ पता नहीं मुसलमानों का क्या। अब अल्लाह का फजल है 100 से ज्यादा मकामात पर पंज वक्ता नमाज होती है पेरिस उसके अतराफ के अंदर। तो मुसलमानों की जो बाहर की टांगे थी वो अंदर दाखिल होनी शुरू हो गई है अल्लाह के फजल करने से। और अगर ये न किया गया तो खतरा एक दूसरा भी है, अल्लाह ताला नाराज होकर कहीं अंदर की टांग को बाहर न कर दे। और वो अल्लाह ताला कहता है वहीं तबल्लो यस तब्दील कौमन गैर कुम सुमानायकुम, अगर तुम गर्दानी करोगे तो तुम्हारी जगह खुदा दूसरों को बदल कर ले आएगा, फिर वो तुम्हारे जैसे नहीं। अल्लाह ताला कहे या अय्युहल्लज़ीन आमनू मन यर्तद्दा मिन्कुम अन दीनिही फसौफ याति'ल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बूहुम ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم। أي إيمان والو اگر تم دین سے پیچھے ہٹ گئے تو ان قریب اللہ پھر ایسی قوم کو لائے گا کہ جو اللہ سے محبت کریں گے اللہ ان سے محبت کریں گے اور جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرے گی اور جو اللہ کے راستے میں جد و جہد اور قربانیاں دے گی ایسے قوم کو خدا لے آئے گا۔ اللہ بڑا مسلط والا ہے بڑا جاننے والا ہدایت اس کے ہاتھ ہے۔ تو بھائی اس طرح آج اسلام کو مسلمان نے ایسا بنایا کہ جیسے ایک بہت پرانا ملازم تھا نام اس کا عبد الغفور تھا، بڑے بڑے گھر والے اس کی بڑی قدر کرتے تھے اور اسے کہتے تھے غفور بھیا، شادیوں میں کاروبار میں ہر جگہ اس کے مشورے دیے جاتے تھے، بڑے بہترین مشورے ہوتے تھے۔ بڑوں کا انتقال ہو گیا، چھوٹوں کے ہاتھ میں وہ سارے کاروبار اور گھریلو الزام آیا، اب انہیں عبد الغفور کی باتیں اچھی نہیں معلوم ہوتی، اب بجائے غفور بھیا کے غفورا غفورا کر رہے ہیں۔ اسے وہ مشورہ دیتا شادی میں کسی لڑکی کی کہ دیکھ غفورا ہماری شادی میں تو دخل مت دے، ہمارے کاروبار میں تو دخل مت دے، ہمارے گھروں میں تو دخل مت دے، ایک کنارے پر پڑا رہے وہاں پر روٹی کے ٹکڑے تجھے ڈالتے رہیں گے، بس دخل مت دے۔ آج اسلام کے ساتھ مسلمان نے وہی معاملہ کر دیا۔ اگر یہ اسلام شادی میں آ کر کہہ دے کہ دیکھو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، مسلمان کہتا ہے اسلام شادی میں تو دخل مت دے، کاروبار میں تو دخل مت دے، ہمارے گھریلو معاملات میں تو دخل مت دے، ہمارے کپڑوں میں تو دخل مت دے، ہماری سوسائٹی میں تو آ کر دخل مت دے، مسجد کے اندر تو پڑھا رہے وہاں پر ہم دن میں 5 مرتبہ تیری ملاقات کر لیا کریں گے، اور اگر ہم بہت ہی زیادہ بیزی ہو گئے مشغول ہو گئے تو پھر ہم جمعے کے دن آ کر تیری ملاقات کر لیا کریں گے، اور اگر اور زیادہ ماڈرن ٹائپ کے ہم بن گئے تو پھر عید کے دن ہم تیری ملاقات کریں گے یا کسی جنازے کی نماز میں تیری ملاقات کر لیں گے۔ 8 کی کھاٹ کی اور 360 کی، 8 کی تو جمعے والی، 8 کی جنازے والی اور 360 کی عید والی، یہ 3 ملاقاتیں ہماری تیری طے ہیں اور باقی تو ہمارے کسی معاملے کے اندر دخل نہیں۔ آئے آئے جب اسلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو وہ غفور بھیا، غفور بھیا جسے کہا جاتا تو غفورا، ابھی غفورا جب یہ کہنے لگے نوجوان تو اس غفورا کو غیرت آئی اور اس عبد الغفور نے وہ مکان چھوڑ دیا۔ اگر بھائی میں تو اپنا مورجا بستر دے کے جا رہا، جب وہ جانے لگا تو پاس میں ایک لالا جی کا مکان تھا بننے کا، اس نے پوچھا غفور بھیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ گھر والے کسی بات میں میری قدر نہیں کرتے، اب میں اس گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو بھیا یہ کہتا ہے کہ بھائی تو غفور ہم تمہیں جانتے ہیں کہ تمہارے سارے طریقے مفید تھے،
इन जवानों ने तरीके छोड़ दिए। अगर ये तुम्हें अपने घर से धक्का मारते हैं तो आ जाओ, हम तुम्हें अपने 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 सीने से लगाते हैं, आ जाओ हम तुम्हें अपने सीने से लगाते हैं। तो वो बलिया उस अब्दुल गफूर को अपने सीने से लगाता है, अपने सीने से लगाता है, कहता आ जाओ हम तुम्हारी कदर करें। मेरे मुहतरम दोस्तों, अगर ये गफूर भैया हमारे घरों से निकलकर इन यूरोपियनों के घरों में चला गया और अमरीकनों के घरों में चला गया तो याद रखियो झाड़ू फेर कर जाएगा, हम किसी काबिल इस दुनिया के भी नहीं रहेंगे पर आखिरत के भी नहीं रहेंगे। हमारा मकाल इस बात पे है कि हम इस गफूर भैया की कदर करें और इसे हम सीने से लगाएं। हमारे घर के अंदर शादियों के मौके पर इस गफूर भैया से पूछें और खाने के मौके पर और हर लाइन के अंदर हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके पर हम चलें। हमारे अंदर जो इस्लाम होगा जो किताबों में है तो फिर मेरे मोहतरम दोस्तों लेक्चर के जरिए साबित करने की जरूरत नहीं होगी कि इस्लाम कैसा मजहब है, बल्कि खुद हमारा कल्चर उन्हें बता देगा कि वाकई इस्लाम कैसा मजहब। इस्लाम लेक्चर से ही फैलेगा, इस्लाम कल्चर से फैलेगा, इस्लाम सिर्फ मुतालों से नहीं फैलेगा। इस्लाम जो मुसलमान के अंदर जो जिंदगी आ जाए तो फिर इस्लाम दुनिया के अंदर फैलेगा। लेकिन दुनिया इस जिंदगी में इस्लाम आवे कैसे, इसके लिए उजाला करने पड़ेगा। अच्छा बात मेरी जरा फैल गई और तुम लोगों के इंतजार हो गए मेरी शुरू वाली बात का, और ये मेरे बयान में आप देखोगे खूब देखो बाद में तुम्हें एक बात शुरू की वो तो रह गई दूसरी चल पड़ी। उसने मुझसे ही कहा कि मौली साहब इस वक्त तुम्हें मॉडर्न टाइप का ये वही मुसलमानों का रवैया देखकर उसने कहा कि इस जमाने में तो मॉडर्न टाइप का इस्लाम होना चाहिए, पुराना इस्लाम नहीं चलेगा, मॉडर्न टाइप की कुछ किताब होनी चाहिए, मॉडर्न टाइप की किताब नहीं चलेगी। तो मैंने उसके यूं कहा कि कुरान जो है ये खुदा का कलाम है, खुदा की किताब है, और अल्लाह जो है अलीम बसीर खबीर है, उसे कयामत तक के उसके बाद के सारे जमाने मालूम हैं। उन्हें सामने रखकर अपनी कुदरत से उसने ऐसा तरीका दिया है कि वो तरीका कयामत तक आने वाले सारे इंसानों के लिए काफी और वाफी है, चाहे अफ्रीका का रहने वाला हो अमरीका रहने वाला हो, ये खुदा का कलाम है, इस बिना पर इसमें तगय्युर की कोई जरूरत नहीं। ये मैंने उसको समझाया। फिर उसने कहा मौली साहब आप गुस्सा तो नहीं होंगे? मैंने कहा नहीं होगा। तो उसने कहा तौरात किसकी किताब, इंजील किसकी किताब, ज़बूर किसकी किताब, फिर ये सारी किताबें क्यों तब्दील हुई? फिर कुरान आया तो अगर कुरान भी तब्दील होकर मॉडर्न टाइप की कोई किताब आ जाए इसमें क्या हाल है? ये उसने मुझ पर सवाल कायम किया। मैंने उसको कहा, उसने कहा कि देखो मौली साहब इसके दो जवाब हैं, एक अदब के साथ एक बेअदबी के साथ। तो मेरे दोनों जवाब सुन लो, उसने कहा। मैंने कहा सुना दे। तो उसने कहा बेअदबी का जवाब तो ये है कि तौरात के अंदर अल्लाह को तजर्बा हुआ अलैहिस्सलाम, कुछ गलती निकली तो वो जबूर में ठीक हुई, फिर जो गलती बाकी रह गई तो वो इंजील में ठीक हो गई, फिर जो गलती बाकी रह गई तो वो कुरान में ठीक हो गई, और कुरान में जो गलती रहेगी वो मॉडर्न टाइप की कोई किताब आए उसमें ठीक हो जाए। तो जगह ये तो है बेअदबी की बात, तो जगह एक अदब की बात भी है। मैंने कहा क्या? तो जगह अदब की बात ये है कि भाई मूसा अलैहि सलाम के जमाने के हालात के एतबार से तो तौरात थी, ईसा अलैहि सलाम के जमाने के हालात के एतबार से इंजील थी, हुजूर पाक सरसम के जमाने के हालात के एतबार से कुरान पाक, और रॉकेट के जमाने के हालात के एतबार से तो मॉडर्न टाइप का नया जदीद इस्लाम होना चाहिए, ये उसने कहा। और हम लोग पिछले दो साल पहले अमेरिका गए तो वहां पर भी इस किस्म की बातें हमारे कानों में आती रही, तो हम लोगों पर बड़े एतराजात किए वहां के अमरीका के मुसलमानों ने, और ये कहा ये क्या बिस्तरे उठाए उठाए फिरना, पर ये क्या दर दर की ठोकरें खाना, अरे मियां किताब से लिख दो, लोगों के घरों पर भेज दो,
इस्लाम फैल जाएगा। मॉडर्न तरीके से तुम इस्लाम को भी नहीं फैलाते, पुराना तरीका वीडियो बैठे हैं कि लोगों के घर पर जाना, दर पर जाना। उस जमाने में तो वीडियो वगैरह कुछ था नहीं, अब तो वीडियो भी है, टेलीविजन भी है, सब है, ये क्या तुम्हारे मारे फिर रहे। ये उन्होंने कहा, मेरे कान पर बात पड़ी। फिर बड़ा मजमा, शायद इतना ही होगा, इससे कुछ कमी पेश होगा, सिर्फ उर्दू वालों में जमा हुआ। पर मैंने कहा कि तुम पुराने तरीकों से तुम्हें इतनी नफरत क्यों है, पुराने तरीकों से तुम्हें इतनी नफरत क्यों है? खजूर का दरख्त अगर तुम्हें हासिल करना है तो खजूर की गुठली जमीन में दफन किए बगैर खजूर का दरख्त तुम नहीं ले सकते। अगर तुम कहो मॉडर्न तरीके से रहेंगे और उसके ऊपर रेशम का कपड़ा लपेटेंगे, उसे सोने के संदूक में रखेंगे और उसके अंदर पीतर भर देंगे और मॉडर्न तरीके से देंगे, मैंने नहीं ले सकते। तरीका तो भी पुराना तुम्हें इख्तियार करना पड़ेगा। उनका पुराने तरीकों से इतनी नफरत क्यों? आसमान पुराना, जमीन पुरानी, चांद पुराना, सूरज पुराना, तेरा बाप पुराना, तेरी माँ पुरानी, मुंह से खाना पुराना, नाक से सांस लेना पुराना, कान से सुनना पुराना, ये सब पुराने तरीके से पूरी दुनिया चल रही। पेट के अंदर सुराख करके तो खाना पी नहीं रहता मॉडर्न तरीके से, ये सारे पुराने तरीके ये क्यों इख्तियार की हुए? मैंने कहा इसी तरीके से इस्लाम को भी अगर दुनिया के अंदर जिंदा करना है तो वो ऊँटों के जमाने का जो तरीका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उस तरीके से अगर इस्लाम को लेकर हम खड़े हो जाएंगे तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैलेगा। और अगर उस तरीके को छोड़कर हम दूसरे तरीके इख्तियार करेंगे तो इस्लाम तो फैलेगा नहीं, इस्लाम के नाम पर कोई और चीज फैल जाएगी। और भाई हमारी इस तबलीग के जरिए से बात साबित होगी, हमारे तबलीग के जो काम करने वाले हैं अक्सरियत उनमें से ऐसी की है जो ज्यादातर बेपढ़े, यानी कम तालीम वाले, कम पैसे वाले और कम सलाहियत वाले, लेकिन काम पूरी दुनिया में फैला। और वजह उसकी ये है कि हमारा तबलीग का काम जो है वो अमली है, सिर्फ कौली नहीं, घर घर पर जाकर हर आदमी को लेकर उसे अमल पर डाल देना, अमल पर डाल देना। अगर एग्रीकल्चर की तालीम के चले लेकिन हल चलाना बंद हो जाए तो दुनिया से अनाज का खात्मा हो जाए। एग्रीकल्चर की तालीम चाहे बंद हो जाए लेकिन लोग हल चलाते रहे तो अनाज दुनिया के अंदर चालू रहेगा। अगर कोई यूं कहे एग्रीकल्चर का प्रोफेसर कि मैं तो महीने के 10,000 लेता हूं और ऐ किसान तो साल के अंदर 10,000 पैदा करता है तो तेरे बच्चों को तो एग्रीकल्चर का प्रोफेसर बना दे, तो अगर पूरे मुल्क के बच्चे एग्रीकल्चर के प्रोफेसर बन जाए पर हल चलाना छोड़ दें तो ये 10,000 की तनख्वाह कहां से मिलेगी? वो जो अमलन चल रहा है खेत का निजाम, उससे इस प्रोफेसर को 10,000 की तनख्वाह मिलती है। और अगर सारे प्रोफेसर बन जाए एग्रीकल्चर के और हल चलाना छोड़ देंगे तो फिर तो एग्रीकल्चर प्रोफेसर दो दो पैसों में बिके। इस बिना पर मेरे मोहतरम दोस्तों, इस्लाम जो दुनिया के अंदर जिंदा होगा वो अमलन जिंदा होगा। खैर, मैंने उसको यूं कहा कि अब तो करे या काम पर मेरी बात सुन। उस आदमी को, उस अमरीकन को मैंने कहा करे या काम पर मेरी बात सुन। मैंने कहा ये बता, तू ये जो कह रहा है नाने से गलती हुई ये भी गलत, और तू जो ये कह रहा है कि उस जमाने के एतबार से, उस जमाने के एतबार से, मॉडर्न जमाने के एतबार से, ये भी गलत। उनका कैसे? मैंने कहा तेरी उम्र क्या? उनका 35 साल की। मैंने कहा 35 साल की उम्र अगर तू संदूक खोल के देखेगा तो जब तू 2 साल का था तो उस वक्त तेरी माँ ने जो कपड़ा सिया था वो छोटा था, 5 साल का हुआ तो उधर कपड़ा और बड़ा हो, 10 साल का हुआ तो कपड़ा और बड़ा हो, 15 साल का कपड़ा और बड़ा हो। अरे इस वक्त तेरी जवानी का प्रचक जमाना है, इसमें तेरे कपड़े की लंबाई चौड़ाई तय हो चुकी। अब अगर पेटी खोल कर यूं कहे कि मेरी माँ ने इतने छोटे छोटे कपड़े सिए तो वो गलत सिए, तो तेरा कहना बिल्कुल गलत होगा, उस वक्त वैसे ही कपड़े होने चाहिए। और अगर तू यूं कहे कि भाई अब 35 साल के बाद 40 साल में मेरा कपड़ा और लंबा हो, 50 साल में और लंबा हो, इन कपड़े को और लंबा बनाता जाएगा, ये भी गलत होगा।
बरचक जमान जवानी के जमाने में जो कपड़ा तेरे लिए लंबाई चौड़ाई तय हो चुकी, अब ये तेरी मौत तक के लिए तय हो चुकी। इसके पहले कपड़े का छोटा बड़ा होना ये भी गलत नहीं था, और आइंदा तेरे डिजाइन का मुकर्रर हो जाना ये भी गलत नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमाना इंसानियत का बचपन का जमाना था। उस वक्त में आसमान है, जमीन है, चांद है, सूरज है, निकाह है, इबादत है, ये चीजें सिखा दी। आगे नस्ल चली, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में इंसानियत और ऊपर बढ़ी, उसकी लाइन के तरीके मिले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में और इंसानियत आगे बढ़ी, उसकी लाइन के तरीके दिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जमाना है वो इंसानियत के भरचक जवानी का जमाना है। इस वक्त जो दस्तूर अल्लाह ने दे दिया उसके बारे में अल्लाह ने कह दिया, अलयौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, अब इसके अंदर किसी किस्म की कमी बेशी जो है वो नहीं चलेगी। तो मैंने कहा जैसे तेरा लिबास जवानी में मुअय्यन हो गया, वैसे पूरी दुनिया के बसते वाले इंसानों के लिए तरीका मुअय्यन हो चुका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों। अब इसके अंदर का तगय्युर बिल्कुल गलत होगा, और इसके पहले जो तगय्युर हुआ वो बिल्कुल सही था। आप जरा समझिए मेरी बात, बिल्कुल समझ में आ गई। कान पकड़ लिए और इसने कहा जिससे जाकर मैं बात की तो वो मेरे ऊपर नाराज हो गया और मेरे ऊपर खफा हो गया, और तुम नाराज नहीं हुए और मेरी दोनों बातों को तुमने हल करके मुझे बता दिया। अच्छा, उसने दूसरी बात कही। दूसरी बात ये कही कि तुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं कहते हो कि वो खातमुन नबीयीन है, यानी नबियों का दरवाजा उन्होंने आकर बंद कर दिया, और नबियों का आना था रहमत, तो गोया तुम्हारे नबी ने आके रहमत का दरवाजा बंद कर दिया, और फिर भी तुम अपने नबी को यूं कहते हो कि वो रहमतुल आलमीन है। समझ गए आप उसका सवाल? अगर नहीं समझे तो एक मिसाल से मैं समझा दूं। मसलन कोई यूं कह दे कि मेरी बीवी बेवा हो गई, गलत है बात। तेरी बीवी तो फिर बेवा नहीं, और अगर बेवा है तो फिर तेरी नहीं। अगर कोई ये कह दे कि मेरी मां बांझ थी, बांझ के स्वरूप जिसका बच्चा पैदा ना, तो तेरी मां है तो बांझ नहीं, मां कैसे थे? और अगर वो बांझ है तो तेरी मां नहीं, दोनों चीजें कैसे ले माओ? अगर कोई ये कह दे कि मेरा बच्चा यतीम हो गया, बच्चा अगर तेरा है तो यतीम कैसा, और अगर यतीम है तो तेरा कैसा? ये लगी तीन मिसालें इसी समझाने की। उसका कहना है कि अगर खातमुन नबीयीन है तो रहमतुल आलमीन नहीं, और अगर रहमतुल आलमीन है तो खातमुन नबीयीन नहीं। हम पर तो पढ़ती रहती है ना, हम लोग आपकी तरह ये जगह थोड़ी रहते हैं, हम लोग तो दुनिया भर में घूमते रहते हैं, और हम चाहते तुम भी सारी दुनिया में घूमो इस्लाम को लेकर। इरादा है कि नहीं है? इस्लाम को लेकर घूमोगे नहीं घूमोगे? पूरे आलम में तुम्हें फिरना है, और तुम्हें यहाँ का कयाम जो है यूरोप का, ये इस्लाम के फैलाने का जरिया बनाना है। तुम्हारे हाथों अल्लाह इस्लाम फैला, तरीका मैं बता दूंगा, अभी आ रहा हूं उस पर, तरीका ही बताना है। ये उसने कहा, मैंने उसको यूं कहा, हमा माफ करो मैं बार बार पानी पीता हूं, बीमार आदमी हूं, इसलिए आप जरा बुरा ना मानिएगा। अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन भी है और खातमुन नबीयीन भी है, दोनों बातें। और मैंने कहा खत्म नबूवत के दो पहलू हैं, एक पहलू तो है मुस्बत, दूसरा पहलू है मनफी। मुस्बत पहलू तो ये है, मनफी पहलू तो ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, मिलकर करेगी,
गोया वो रहमत जो किसी नबी के आने से उतर दी, अब वो रहमत वाला जो काम है वो हमारा ताजिर भी करेगा, वो हमारा वकील भी करेगा, वो हमारा डॉक्टर भी करेगा, वो हमारा इंजीनियर भी करेगा, वो हमारा ताजिर भी करेगा, और वो हमारा किसान भी करेगा, वो हमारा मजदूर भी करेगा। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नबियों के आने तक उतरने वाली रहमत को पूरे आलम के अंदर आम कर दिया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि माइनस पहलू को इस उम्मत ने ले लिया। जब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आए, अगर किसी ने झूठी नबूवत का दावा किया तो पूरी उम्मत उसके पीछे पड़ गई, और पड़ना चाहिए, अल्लाह का शुक्र है, पूरी उम्मत उसके पीछे पड़ जाती है अगर कोई झूठी नबूवत का दावा करे। लेकिन उसके साथ जो प्लस पहलू है मुस्बत, कि भाई हमें भी तो कुछ करना चाहिए, यहां पर आकर उम्मत ने ढीले ढोल बजानी शुरू कर दी, वो प्लस पहलू पर ये उम्मत नहीं जाएगी। बड़ी रोशनी है ना। अब इसके अंदर दो तार होते हैं, एक तार होता है नेगेटिव, एक तार होता है पॉजिटिव। इनमें से आप एक तार को निकाल दो, रोशनी रहेगी, अंधेरा हो जाएगा। तो जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के अंदर दो तार हैं, एक तार तो यह है कि हुजूर के वक्त कोई नबी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि ये उम्मत जो है ये उस नबियों वाले काम को, जो दावत का काम है, वो करेगी। तो इस उम्मत ने वो दावत वाला काम छोड़ दिया, इस बिना पर पूरे आलम के अंदर बेदीनी फैली। अगर ये उम्मत उस दावत वाले काम को करे तो फिर पूरे आलम के अंदर नूर हिदायत फैलना शुरू हो जाएगा, और सारी दुनिया के बसने वाले इंसानों के कुलू अल्लाह की तरफ से आने वाली हिदायत से मुनव्वर होते चले जाएंगे। अब हमारी दावत जो है वो ये है कि हम मुसलमान हैं, हमारी दो शानें हैं। एक शान हमारी ये है कि हम खुदा के बंदे हैं, और दूसरी शान हमारी ये है कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। खुदा का बंदा होने के एतबार से हमारा जो मकसद जिंदगी है वो है बंदगी, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती होने के एतबार से हमारा जो मकसद जिंदगी है वो है दावत। तो एक तरफ मकसद जिंदगी है इबादत, एक तरफ मकसद जिंदगी है दावत। इबादत के माना है खुदा की बात का मानना, और दावत के माना है खुदा की बात का दूसरे से मनवाने की कोशिश करना। ये दो हमारे मकसद जिंदगी है, इसके लिए हम इस दुनिया के अंदर आए हैं। हमारा मकसद जिंदगी दावत और इबादत है। इन दोनों का मुश्तरक नाम जो है वो दीन का काम। हमारा मकसद जिंदगी जो है वो दीन का काम है। रहा खाना और कमाना, ये हमारा मकसद जिंदगी नहीं, बल्कि ये हमारा जरूरत जिंदगी है। हम इसका इंकार नहीं करते, हम खाने कमाने का बिल्कुल इंकार नहीं करते। खाना और कमाना हमारा मुसलमान करेगा, लेकिन मकसद के दर्जे में नहीं करेगा, बल्कि जरूरत के दर्जे में करेगा, और बाकी इसका सारा वक्त जो है वो मकसद के दर्जे में लगेगा। और मकसद जिंदगी जो है वो हमारा दीन का काम है। अल्लाह की जात से हमें उम्मीद है कि अगर हमने दीन का काम करना शुरू कर दिया, और हिकमत के साथ अगर शुरू कर दिया, तो मुझे वो दिन दूर नजर नहीं आते कि आप हजरात के हाथों पूरे यूरोप के अंदर इस्लाम फैलता, या तो आप अपनी आंखों से देखोगे, और अगर आप मर के अपने कब्रों के अंदर चलेंगे तो पूरे यूरोप के अंदर इस्लाम का फैलना अल्लाह की जात से उम्मीद है कि कब्रों के अंदर जब आपको इसका सवाब मिलेगा तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई पूरे यूरोप के अंदर इस्लाम फैला। अच्छा, अब तरीका क्या है? उसका तरीका क्या है? उसका तरीका नया हमें कोई तरीका अख्तियार नहीं करना, हमारा वही पुराना तरीका है। जब हमें इस बात को समझो, जड़ बुनियाद से काम को हम शुरू करेंगे तो काम धीमे धीमे होगा, और असरात उसके तदरीजी तौर पर होंगे। नबियों की तरतीब पर सबसे पहला काम जो हमारा होगा वो मुसलमानों में चल फिरकर इन मुसलमानों के अंदर दो बातें पैदा करने। एक बात तो मुसलमानों में लानी है कि मुसलमान में इस्लाम आ जाए, जो जैसे पहली सदी में था, और दूसरी बात मुसलमानों ने यह लानी कि हर मुसलमान में दावत आ जाए। ये दो बातें हैं, एक तो मुसलमान में इस्लामी जिंदगी आए,
और दूसरे ये कि मुसलमान के अंदर दावत आ जाए। अगर ये दो बातें मुसलमानों के अंदर आ गई तो पूरे आलम के अंदर इस्लाम फैलावा होगा। अच्छा, मुसलमान में इस्लाम कैसे आए? एकदम से अगर तुम ये कहो कि बैंक बैंकों से लेन देन बंद कर दो और बिल्कुल यानी सारी चीजें खत्म कर दो और बिल्कुल तो इस्लाम के ऊपर आ जाओ, तो मेरे मुख्तरम दोस्त एकदम से लोग इस्लाम के ऊपर नहीं आएंगे। बल्कि इस तरीके से अगर तुम कहोगे तो लोग तुमसे दहशत करेंगे और तुमसे दूर होने शुरू हो जाएंगे। इसकी तदबीर है। तदबीर यह है कि जड़ के अंदर आप पानी पिलाना शुरू कर दो तो टहनियों में फलों के अंदर मिठास आनी शुरू हो जाएगी। होता यह है कि लोग फलों को पानी देते हैं और जड़ को छोड़ देते हैं, तो जड़ सूख जाती है तो पूरा दरख्त गिर जाता है। तो इस्लाम का पूरा दरख्त गिर जाता है जब जड़ को पानी नहीं मिलता। हमारे यहां तकदीर में नदियों के तर्ज पर जड़ को पानी पिलाना है, और वो जड़ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले जहनों की तब्दील, दिलो दिमाग के अंदर ये बात बस जाए कि जैसे उसका तर्जुमा तो सीधा साधा ये है कि सिवाय खुदा के कोई मारूद नहीं पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, ये तो उसका सीधा तर्जुमा। लेकिन इस ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए हमारे जहनों की तब्दील है। देखो, दुनिया भर में जितने इंसान हैं वो दौड़ भाग करते हैं कामयाबी लेने के लिए, और अल्लाह की तरफ से भी रोजाना 5 मरतबा पुकार है कामयाबी देने के लिए। खुदा में बंदों में कोई इख्तिलाफ नहीं, खुदा भी कहता है पुकारो, खुदा भी ये कहता है कि तुम कामयाबी लो, और बंदा भी ये चाहता है कि मैं कामयाबी लो। खुदा में बंदे में कोई इख्तिलाफ नहीं, खुदा भी कहता है या नहीं फला आओ कामयाबी की तरफ, और बंदा भी दौड़ता है बाजारों में खेतों में तो वो भी कामयाबी लेने के लिए दौड़ता है, कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन इख्तिलाफ कहां हुआ? खुदा ये कहता है कि कामयाबी उतनी लो, बंदा जो है ना वो दौड़ता है उतनी कामयाबी की तरफ जितनी उसे दिखाई देती है, और खुदा उस कामयाबी की तरफ बुलाता है जो कामयाबी उसके खजाने में रखी है। खुदा के खजाने में लामहदूद और बे इंतहा कामयाबी रखी है, तो खुदा जो बे इंतहा कामयाबी की तरफ बुलाता है और बंदा महदूद कामयाबी की तरफ दौड़ता है, ये फर्क है खुदा में और बंदे में। खुदा तो लामहदूद कामयाबी की तरफ बुलाता है और बंदा कामयाबी के जर्रे की तरफ दौड़ता है, एक फर्क तो ये है। और दूसरा फर्क ये है कि खुदा ये कहता है कि मैंने कामयाबी रखी है आमाल में, और बंदा ये कहता है कि मेरे को कामयाबी दिखाई देती है चीजों में। तो बंदा कामयाबी लेने के लिए चीजों की तरफ दौड़ता है, और खुदा जो कामयाबी का देने वाला है वो उसे कहता है कि तू कामयाबी लेने के लिए आमाल की तरफ आ। देखो फर्क समझो, बंदा तो कामयाबी लेने वाला, खुदा कामयाबी देने वाला। बंदा कहता है कि मैं कामयाबी चीजों में तलाश कर रहा, खुदा ये कहता है कि कामयाबी देने वाला मैं हूं, मैंने कामयाबी आमाल के अंदर रखी है, तू आमाल कर और कामयाबी ले। बंदा कहता है मैं तो चीजों के अंदर तलाश करूंगा, तो ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। कामयाबी रखी है आमाल में, कामयाबी रखी है इंसान की आंख में, कान में, जुबान में, हाथ में, पैर में, दिल में, दिमाग में। इंसान एक मशीन है, उसका बनाने वाला खुदा है। मशीन को बनाने वाले के तरीके पर इस्तेमाल करेगा तो फायदा होगा, मशीन को अपनी राय से इस्तेमाल करेगा तो नुकसान होगा। ये पूरी दुनिया का मुसलमा कायदा और कानून है, इसका कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। मशीन को बनाने वाले ने 3 अंधेरियों में बनाई है। मां के पेट के अंदर इस मशीन को बनाया है, और उस बनाने वाले ने उसके अंदर करंट भी दाखिल कर दिया है, और हर मशीन को बनाने वाला बुकलेट दिया करता है, और हर मशीन को बनाने वाला इंजीनियर को भेजा करता है। बुकलेट के अंदर इल्मी तौर से देख ले तरीका इस्तेमाल का, और इंजीनियर से अमली तौर से पूछ ले और उस मशीन को इस्तेमाल कर। अल्लाह ताला इंसानी मशीन को बनाने वाला है, उसने नबियों को भेजा और आखिरी नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर इस इंसानी मशीन को खुदा के बताए हुए तरीके पर और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर इस्तेमाल किया तो पूरी दुनिया कामयाब होगी, और अगर उस तरीके पर इस्तेमाल नहीं किया तो पूरी दुनिया नाकाम होगी। याद रखो मेरी इस बात को
हमारी कामयाबी हमारे अंदर है, हमारी नाकामी हमारे अंदर है। इंसान की कामयाबी इंसान के अंदर है, इंसान की नाकामी इंसान के अंदर है। आंख कान नाक मुंह हाथ पैर दिल दिमाग का अगर इस्तेमाल सही हो गया तो हमारे अंदर कामयाबी है, और अगर इस्तेमाल गलत हो गया तो हमारे अंदर नाकामी है। चीजें कामयाबी का बर्तन है और इंसान कामयाबी की बुनियाद है। आज चीजों के अंदर कामयाबी तलाश की जा रही है, आज चीजों के मिलने को इंसान कामयाबी समझता है। ये पूरी दुनिया से हर जमाने में गलती होती रही और आज भी हो रही है कि चीजों के मिलने को इंसान कामयाबी समझ रहा है, और नबियों ने ये बात बताई कि चीजों का मिलना कामयाबी का मिलना नहीं, चीजों का मिलना कामयाबी के बर्तन का मिलना है। मुल्क मिला, माल मिला, सोना मिला, चांदी मिली, यानी कामयाबी का बर्तन मिला। लेकिन इसके अंदर जो कामयाबी अगर चाहते हो तो वो जिसमें इंसानी से तैयार होने वाले अमलों को ठीक किए बगैर और दिन के अंदर के यकीन को ठीक किए बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती। कुरान पाक कहता है आमनु वामिलु सालिहात, दिल का यकीन ठीक हो जाए और बदन से तैयार होने वाले आमाल ठीक हो जाए। अगर ये दो बातें ठीक हो गई तो आदमी यूरोप में रहे, अफ्रीका में रहे, अमेरिका में रहे, एशिया में रहे, आदमी कामयाब होगा। बंगले में रहे, झोंपड़े में रहे, आदमी कामयाब होगा अगर ये दो बातें ठीक हो गई। और अगर ये दो बातें ठीक न हुई तो फिर आदमी जहां रहेगा वहां पर नाकाम होगा। आदमी कामयाबी अपने अंदर तलाश करे, इसके बजाय आदमी कामयाबी चीजों के अंदर तलाश कर रहा है। आदमी कामयाबी चीजों में तलाश कर, मैं इसकी मिसाल देता हूं, 100 रुपए का नोट गुम हो गया घर में और तलाश कर रहा है सड़क पर। भाई ऐसा क्यों कर रहा, किसी ने पूछा तो उसने कहा कि मेरे घर में अंधेरा है तो सड़क में उजाला है। तो समझाने वाला कहेगा बेवकूफ, कहेंगे जहां गुम हुआ वहीं पर टिमटिमाती मोमबत्ती जला दे तो वहीं तेरा 100 रुपए का नोट मिलेगा, और ये रोशनी अगर बढ़ भी गई तो सड़क पे तुझे 100 रुपए का नोट नहीं मिलेगा। तो ये इंसान कामयाबी को सूरज की रोशनी में फैली हुई चीजों के अंदर तलाश कर रहा है, और तलाश करते करते आदमी चांद पे पहुंच गया और चांद में जाकर कामयाबी तलाश कर रहा है, उसे वहां पर भी कामयाबी नहीं मिल रही। हम कहते कामयाबी तो तेरे अंदर तलाश कर, और टिमटिमाता हिदायत का नूर और हिदायत की रोशनी तू तो अपने दिल के अंदर अगर जला देगा तो तुझे ये मालूम हो जाएगा कि अमानत के अंदर कामयाबी है, खयानत के अंदर नाकामी है, और सच्चाई में कामयाबी है और झूठ के अंदर नाकामी है। ये उस वक्त मालूम होगा जब हिदायत का नूर तेरे दिल के अंदर उतर जाए। अगर ये नहीं उतरता तो तुझे कामयाबी अपने अंदर दिखाई नहीं दे। अपने अंदर तू हिदायत का नूर उतार दे तो तुझे कामयाबी अपने अंदर दिखाई देगी। अब ये कामयाबी जाकर दूर दराज के इलाकों के अंदर, दूर दराज के मुल्कों के अंदर कामयाबी को तलाश करता है। इस बिना पर मेरे मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, बेहतरीन तरीका नबियों वाला जो हमें बताया गया, सबसे पहले जहनों की तब्दील। खुदा कामयाबी का देने वाला और उसने कामयाबी रखी है आमाल में, चीजों में कामयाबी तलाश करेंगे तो नहीं मिलेगी। लेकिन देखो एक बात मैं बता दूं, लोग ये समझते हैं कि तबलीग वाले चीजों की बहुत नफी करते हैं और दुनिया की बहुत नफी करते हैं, और मालूम नहीं ये लोग दुनिया को छुड़वाना चाहते हैं और ये लोग योगी बनाना चाहते हैं, सन्यासी बनाना चाहते हैं, राहिब बनाना चाहते हैं, मलंग बनाना चाहते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक बात साफ कह दूं, जाहिरी असबाब और वसाइल के अंदर लगना ये गलत नहीं है। जाहिरी असबाब और वसाइल कारोबार और घर वगैरह में लगना ये गलत नहीं है। जाहिरी असबाब और वसाइल में तो अल्लाह ने भी लगाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से क्या कहा, कश्ती बनाओ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से क्या कहा, जिरह बनाओ। हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद में तशरीफ ले जाने लगे तो उन्होंने क्या किया, अपने बदन पर 2 जिरहे पहन ली। तो जाहिरी असबाब और वसाइल में लगना गलत नहीं है भाई, जाहिरी असबाब और वसाइल में लगना मुफीद है, लेकिन 2 शर्तों के साथ।
मेरी दो शब्दों में याद रखो, जाहिरी असबाब और वसायल अगर आपको लगना है तो मैं आपसे शिकायत करूंगा कि आप लोग चांद पर क्यों नहीं पहुंचे। चांद पर पहुंचने वाले सारे ईसाई क्यों थे, मुसलमान क्यों नहीं? जाहिरी असबाब और वसायल में मुसलमान बहुत पीछे, मैं इसे रोक नहीं रहा, लेकिन जाहिरी असबाब और वसायल में लगने के अंदर दो शर्तें मेरी याद रखें। जाहिरी असबाब और वसायल में लगना कब मुफीद होगा? जबकि दो शर्तें, ये दो शर्तें अगर पाई गई तो गैबी असबाब और वसायल हमारी कामयाबी जो हो गई। सिर्फ जाहिरी असबाब और वसायल के हाथ में आने से आदमी कामयाब नहीं होता। जाहिरी असबाब और वसायल फिरौन, कारून, हामान और नमरूद शद्दाद के पास थे, लेकिन वो नाकाम क्यों हुए? इसलिए कि गैबी असबाब और वसायल उनके हाथ में नहीं थे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके मानने वाले कामयाब क्यों हुए? बावजूद जाहिरी असबाब और वसायल उनके हाथ में कम थे, लेकिन उनके पास गैबी असबाब और वसायल थे जिसके बिना पर वो कामयाब हुए। हम हर हर मुसलमान बच्चे को भी और बड़े को भी हम ये बताना चाहते हैं कि जाहिरी असबाब और वसायल के साथ में गैबी असबाब और वसायल को इख्तियार करो। और वो क्या है? जाहिरी असबाब और वसायल में लगना उस वक्त मुफीद होगा जबकि उस पर एतमाद न हो, एतमाद खुदा की जात पर, जिसका नाम है ईमान, एक शर्त। और दूसरी शर्त यह है कि जाहिरी असबाब और वसायल में लगना मुफीद उस वक्त में होगा जबकि उन असबाब और वसायल में लगकर आदमी हुक्म इलाही तोड़ने न पाए और तरीके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ने न पाए। अगर एतमाद असबाब पर आ गया तो खुदा की मदद हट जाएगी जैसी हुनैन में हटी। हालांकि हुनैन के अंदर मुसलमानों की तादाद भी ज्यादा थी, सामान भी ज्यादा था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा सारे मौजूद थे, लेकिन बाजों के दिल में यह ख्याल आ गया कि बदर में हम थोड़े थे और गालिब हो गए, अब हुनैन में हम बहुत ज्यादा हैं तो देखो क्या होता है। ये बात जहनों में आई और अल्लाह की मदद उठी, और मुसलमान से जब अल्लाह की मदद टूट जाती है तो फिर ये मुसलमान कामयाब नहीं होता। इसी बात को अल्लाह ताला ने हुनैन के किस्से में बताया, لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين। الله نے ہر جگہ تمہاری مدد کی, حنین میں بھی تمہاری مدد کی, لیکن حنین میں تمہارے دل میں ذہنوں میں یہ آ گیا کہ ہم زیادہ ہیں تو اللہ کی مدد ہٹ گئی और फिर तुम पीठ फेर कर भागे। और फिर जब ये ख्याल आया कि हो बगैर मदद इलाही के काम नहीं चलता, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमे और उनके साथ 11-12 आदमी और जमे, और जब इन्होंने ऐलान किया तो फिर वो लोग जो जाने वाले थे वो सारे के सारे सिमट कर आ गए और मुतवज्जे हो गए। पर एक कलील मकदार जब इस ख्याल की हो गई कि मदद इलाही के बगैर काम नहीं चलता, तो फौरन फौरन अल्लाह की मदद आ गई और हुनैन के अंदर कामयाबी हो गई। इस बात को हर जमाने के गैर मुस्लिम भी जान चुके थे। ये मुशरिकीन मक्का जो थे ना, वो यही तो कहते थे कि तुम्हारे तो एक अल्लाह पर हमारे 360, वो अकेला कैसे मुकाबला करेगा? तो साहबा उसके जवाब देते हैं कि तुम्हारे 360 इतने कमजोर कि मक्खी अगर मिठाई लेकर भाग जाए तो छुड़ा नहीं सकते, और कुत्ता अगर पेशाब करे तो वो उसे हटा नहीं सकते, और हमारा एक अल्लाह इतना कुदरत वाला है कि उसने अपनी कुदरत से आसमान बनाया, जमीन बनाई, चांद बनाया, सूरज बनाया, मणि के दो गंदे पत्रों से एक लंबा चौड़ा इंसान बनाया, और फिर इस इंसान के साथ जन्नत बनाई, दोजख बनाई, आखिरत बनाई, मूसा अलैहि सलाम के लिए समंदर फाड़ा, ईसा अलैहि सलाम के लिए आसमान से दस्तरखान उतारा। हम भी खुदा के मानने वाले, वो खुदा ऐसा है, वो खुदा कयामत का दिन लाने वाला भी है, वो खुदा सारे काम करने वाला, कहते रहे। फिर उन्होंने मारना शुरू किया। अल्लाह का एक निजाम यह था कि जो सही रास्ते पर थे उनको तो डाल दिया आजमाइश में, और जो गलत रास्ते पर थे उनको दे दी थी। और एक वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया गलत आदमियों के पकड़ने का और सही आदमियों के नवाजने का। वो बदर का दिन था, उस बदर के दिन अल्लाह की मदद आई,
70 बड़े बड़े मुजरिम तो कत्ल हुए, 70 बड़े बड़े मुजरिम कैद हुए और सारे भागे। पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो गई ये बात कि भाई मुसलमानों का मामला तो खुदा की गरीबी मदद से चल रहा है, पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। जिस वक्त में गज़वे मुद्दा में सहाबा गए और वहां पर कैसर रूम ने अपना आदमी भेजा और 3,000 ने 2,00,000 को हरा दिया, तो कैसर रूम ने उसी दिन इस बात को समझा, बल्कि उसके पहले से वो समझा हुआ था कि इनके नबी जब तक इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, अगर हमने इन मुसलमानों को छेड़ा तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस बिना पर इंतजार करो इस बात का कि इनके नबी इस दुनिया से तशरीफ ले जाए तो फिर हम इनके छक्के छुड़ा देंगे। इसी बिना पर ये कैसर रूम जो था तबूक के मौके पर नहीं आया। हमने तो मशवरा किया कि तबूक के मौके पर हमें नहीं जाना, इसलिए कि ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी है इनके साथ खुदा की ताईद है। और ये कैसर रूम को उस वक्त मालूम हुआ था जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल की थी और अबू तालिब जो चचा थे आपके उनके साथ बगरज तिजारत आप मुल्क शाम की तरफ तशरीफ ले गए। वहां पर एक बुहैरा राहिब था, उस राहिब पादरी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आंखों को देखा और अबू तालिब से यूं कहा कि देखो इनको लेकर मत फिरो, इनके बहुत से दुश्मन हैं जो इन्हें तकलीफ पहुंचाएंगे। और हमारी किताबों में इंजील में लिखा हुआ है कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं वो यही मालूम होते हैं। थोड़ी देर के अंदर देखा उसने खाने की दावत की उस पादरी ने, कभी नहीं की, अब की मरतबा की। www.attableek.com The Reviver of Iman। सारे लोग दरख्त के नीचे जमा हो गए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उसने दावत की, दरख्त के नीचे सारे जमा हो गए। मुहैरा राहिब ने पूछा कि वो कहां गए, 12 साल के जो थे वो कहां गए। लोगों ने कहा कि वो हमारे ऊंट चलाने गए, क्या वो उम्र में हम सबसे छोटे हुए हैं तो वो ऊंट चलाने गए हैं। मुहैरा राहिब ने कहा जब तक तुम उन्हें नहीं बुलाओगे उस वक्त तक मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगा। बुलाया गया, दरख्त के साये की सारी जगह भर चुकी थी, जगह नहीं मिली। आप जो थे धूप के अंदर खड़े हो गए, धूप में बैठ गए, वो दरख्त जो था जरा झुका, तारीख लिखा वो ही है, वो जरा झुका आपके ऊपर साया कर दिया। मुहैरा राहिब ने कहा देख लो जो मैं कह रहा था वही हो रहा है। थोड़ी देर के बाद 7 आदमी आए, उन्होंने मुहैरा राहिब से मिले और मुहैरा राहिब से यूं कहा कि कैसर रूम ने सारी इंजीलें खोली और बड़े बड़े पादरी वहां पर बैठ गए और उन्होंने पादरियों ने यह कहा कि जो आखिरी नबी आने वाले हैं वो इस दुनिया में पैदा हो चुके हैं और वो इस वक्त अपने वतन में नहीं है, वतन से बाहर निकले हुए हैं और उनकी ये अलामत है और उनके मुकाबले पर कैसर रूम की जो हुकूमत है वो अपने घुटने टेक दी। अब कैसर रूम को फिक्र हुआ अपनी हुकूमत के बचाने का, तो उसने वो सारा हुलिया दिखकर आदमियों को दिया और यूं कहा पूरी दुनिया के अंदर तुम फैल जाओ, जहां इस किस्म का 12 साल तुम्हें कोई आदमी मिले तो उसे तुम कत्ल कर दो। चारों तरफ आदमी फैल गए, बोले उनमें से 7 हम हैं और उस 12 साल आदमी की तलाश में है और ये जो सामने दरख्त के नीचे बैठे हैं उनके अंदर वो सारी अलामतें पाई जाती हैं जो इंजील के अंदर हम देख कर आए हैं, हमारे पर लिखी हुई है, लिहाजा आप इनको हमारे हवाले कर दो ताकि हम इसे कत्ल कर दें। मुहैरा राहिब ने यूं कहा कि इंजील को तुम खुदा की किताब मानते हो, उनका हम मानते हैं, और जब इंजील में ये बात है कि आखिरी नबी आने वाले हैं तो तय है कि तुम इन्हें मार तो सकोगे नहीं, लेकिन ये पुलंद का टीका तुम अपने सर पे क्यों ले रहे हो? उन्होंने कहा अगर हम इन्हें नहीं मारते वापस जाते हैं तो कैसे रूम हमें कत्ल कर देगा,
लिहाजा हम तो तेरे पास ठहरेंगे। वो इनके पास ठहर गए और मुहैरा रहा तो अबू तालिब के पास आया और उसने यूं कहा कि देखो इनको तुम फौरन मक्का मुकरमा वापस भेज दो। पर ये सारा किस्सा सुनाया। रसूल पाक सरसम के साथ दो आदमी लगाकर इन्हें मक्का मुकरमा वापस भेज दिया। कैसर रूम जो था वो उसी वक्त से समझ रहा था कि ये आखिरी नबी है और इनका मुकाबला करना अपने आप को हलाक करना है। इसी बिना पर वो तबूक में नहीं आया। तबूक के मौके पर कैसर रूम ने बैठकर ये मशवरा किया कि इंतजार करो कि जब ये जमीन में तशरीफ ले जाए तो उस वक्त में हम मदीने पर हमला करके मदीने पर कब्जा करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो कैसर रूम ने 2 लाख का मजमा लेकर मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के लिए निकल गया। यहां मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा सदमा था। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला मजमे पर कंट्रोल कर रहे थे। मजमे की आंख में आंसू थे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर बड़ा असर था। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है सुब्बत लल अय्याम सिन्ना लया दिया। मेरे ऊपर ऐसी मुसीबतें आई हैं कि अगर दिन पर वो मुसीबतें आ जाती तो वो दिन रात बन जाता। ये हजरत फातिमा कह रही है और पूरे मजमे पर एक कोहराम मच रहा है। रसूल पाक सरसम दुनिया से पर्दा फरमा गए। हजरत उमर तलवार को लेकर खड़े हैं। अगर किसी ने कह दिया तो हुजूर अकरम सरसम वफात पा गए तो मैं उसकी गर्दन को उड़ा दूंगा। हजरत उस्मान मजबूत बैठे हुए हैं और पूरे मजमे के अंदर अफरा तफरी है। हजरत उस्मान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ लाए और आपने अपने जसद मुबारक को देखा और चेहरे अनवर को खोला और आपके चेहरे को देखा कि रूह परवास कर चुकी है। पेशानी के ऊपर भूसा दिया और यूं कहा तिब्तहैयमैता आप मुबारक हैं। चाहे इस दुनिया के अंदर तशरीफ फरमा हूं और चाहे आप आलम बाला में तशरीफ ले जाएं, चाहे आप इस दुनिया में रहें चाहे आलम बरज़ख में तशरीफ ले जाएं, हर हाल में आप मुबारक हैं। चेहरे अनवर के ऊपर कपड़ा डाल दिया और फिर मुसलमानों की तरफ मुखातब हुए। पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबको खिताब करके यूं कहा बमा मोहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसुल أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا। ये आयतें पढ़ी और कहा कि हुजूर अकरम सरसरम अल्लाह के नबी ही तो थे, खुदा तो नहीं थे। अगर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो क्या तुम पीछे हट जाओगे। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबके ज़हन के अंदर ये बात डाली कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जो तशरीफ ले गए हैं हमें 2 चीजें देकर गए हैं। अगर ये 2 चीजें हमारे पास रही तो जो मदद खुदा की आपकी मौजूदगी में थी वो मदद खुदा की कयामत तक हमारे ऊपर रहेंगी। वो 2 चीजें एक तरफ तो अल्लाह का दीन है और एक तरफ अल्लाह के दीन की मेहनत है। अगर ये 2 चीजें हमारे अंदर रही तो खुदा की वही मदद हमारे साथ रहेगी। ये इनके दिलों को जमाया। वहां के हेरत के रूप 2 लाख की फौज को लेकर निकला। वहां से मुसैलमा कज़्ज़ाब ने छुपी नबूवत का दावा किया। वो ये समझा कि इस वक्त नबूवत की मंडी का भाव मंडी में ज्यादा है तो उसने झूठी नबूवत का दावा किया। बहुत से उसकी नबूवत को माना। बहुत से आदमी उसके साथ मिलकर मदीना मुनव्वरा पर हमले का उनका ख्याल। 2 लाख का मजमा वहां से मदीने पर हमला करने के लिए आ रहा और यहां पर एक मसला ये आया कि हजरत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जमात को अल्लाह के रास्ते में भेजा जाए या न भेजा जाए। जिस जमात को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मौजूदगी में रवाना कर चुके थे सबका भी इत्तेफाक राय ये थी कि हजरत उसामा की जमात को न भेजा जाए। इसलिए कि इस वक्त के हालात ये हैं कि चारों तरफ से हमले की खबरें मदीना मुनव्वरा पर आ रही हैं। अगर ये 3,000 का मजमा अल्लाह के रास्ते में निकल गया तो हमारे मदीने का क्या होगा और मदीने की पाकीज़ा औरतों का क्या होगा। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमात को अल्लाह के रास्ते में भेज कर गए और अपनी जबान से कहकर गए
کہ انت ذو جیش اسامہ, اسامہ کی جماعت کو اللہ کے راستے پہ روانہ کرو. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ہم نے ٹال دیا تو نبی کی بات کا ٹالنا یہ مصیبت کا مول لینا ہے. عہد کے اندر ہم کثیر مقدار میں تھے باوجود کہ ہم بدر سے زیادہ تھے, بدر کے اندر تھوڑی مقدار میں خدا کی مدد آئی تھی اور عہد میں ہم زیادہ مقدار میں تھے اور خدا کی مدد اٹھ گئی. اس لیے کہ عہد کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ایک بات چھوٹ گئی. آپ نے فرمایا تھا کہ تیر اندازوں کو اس پہاڑی کے اوپر رہنا چاہیے, وہ تیر انداز وہاں سے نیچے اتر آئے. نبی کی بات کا چھوٹنا اللہ کی مدد کا اٹھ جانا ہے, اور نبی کی بات کا پورا ہو جانا اللہ کی مدد کا اترنا ہے. اللہ کے نبی جب ہم سے کہہ چکے کہ حضرت اسامہ کی جماعت کو بھیجنا ہے, تب چاہے ہمارے حالات کتنی ہی ناگفتگو ہو جائیں لیکن ہم اس جماعت کو اللہ کے راستے میں بھیج کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر المومنین, آپ ذرا خیال کیجئے یہ 3000 کا مجمع نکل گیا, 150 مرد مدینے میں رہیں گے, 200000 کا مجمع حملہ کرے گا, مدینے کی عورتوں کا کیا ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم حالات کی وجہ سے احکامات کا تغیر نہیں کریں گے, ہم احکامات کی وجہ سے حالات کو برداشت کریں گے. مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے جب حالات کی وجہ سے احکامات میں تغیر نہیں کریں گے. جب اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ حضرت اسامہ کی جماعت کو بھیجا جائے, ہم اس جماعت کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے. چنانچہ جماعت بھیج دیں گے, 150 آدمی رہے. خبر ملی کہ مدینے کے اطراف کے لوگ مرتد ہو رہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے آدمی جمع ہو جاؤ 150 اور چلو میرے ساتھ تم مرتدین میں جا کر ہم کام کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہاں پھر آئے, امیر المومنین مدینہ منورہ میں کیسی پاکیزہ عورتیں ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ مدینہ ان کو خالی ہو جائے گا, لاکھوں کا حملہ ہونے والا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے سینے کے اوپر ایک دھب مار کر یوں فرمایا, اجبارن فی جاہلیت وحبارن فی اسلام. زمانے جاہلیت میں تو بڑے تیز ترار تھے اور اسلام کے اندر آ کر ایسی ڈھیلی ڈھیلی باتیں کر رہے ہو, اور یوں فرمایا, ایوم قص الدین و الحیوم, دین میں نقصان آ جائے اور میں زندہ رہوں, میری زندگی کس کام کی؟ اور یوں فرمایا کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں نکل جائیں اور مدینے پر حملہ ہو جائے اور مدینے کی عورتوں کو شہید کر دیا جائے اور ازواج مطہرہ جو حضور کی پاک بیویاں ہیں ان کو شہید کر دیا جائے اور مجھے بھی شہید کر دیا جائے اور میری لاش اور مدینے کی عورتوں کی لاش اور حضور کی پاک بیویوں کی لاش اگر مدینے میں تڑپ رہی ہو اور جنگل کے بھیڑیے اور جنگل کے کتے آ کر ہماری لاشوں کو نوچ کر کھا جائیں, میں اسے برداشت کروں گا, لیکن اللہ کے دین کی محنت میں کوئی کمی آ میں اسے برداشت نہیں کروں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بات زور سے کہی اور وہ مجمع لے کر خدا کے راستے میں نکل گئے, اور 3 راتیں مدینے پر ایسی گزری کہ کوئی مرد متنفس نہیں تھا. اور پھر جو اللہ کی مدد آئی ہے, اللہ کی مدد آئی ہے, حضرت اسامہ جب چلے ہیں تو انہوں نے یوں کہا کہ ہم لوگوں کو دیر ہو گئی مشورے میں, لہذا ہم لوگ ذرا جلدی چلے اور آرام کم کریں, جلدی چلے آرام کم کیا. وہاں سے ہیرت کے روم دولا کی فوج کو لے کر نکلا, وہ ایک جگہ پر اس نے پڑاؤ ڈالا. وہاں کے لوگوں نے یوں کہا کہ مدینے کے مسلمان بھی یہاں ٹھہرے تھے, پوچھا کتنے تھے؟ ان کا لاکھوں تھے 3000, دکھائی دے دیے لاکھوں. اچھا, تو خوش ہو گیا کہ مدینہ خالی ملے گا, جا کے قبضہ ہی کرنا ہے. پھر آگے چلا, وہاں پر بھی دوسری منزل پر پتا چلا یہاں پر بھی مسلمانوں نے پڑاؤ کیا تھا. کتنے تھے ان کا لاکھوں؟ محاسبین کو بلا کے حساب کرو, یہ وہی لشکر ہے یا دوسرا؟ لوگوں نے حساب کرایا, نارمل طریقے میں جیسے فوجیں چلا کرتی ہیں, کہا صاحب یہ تو وہ ہے ہی نہیں, یہ تو دوسرا لشکر ہے. اب لوگ جلدی چلے تھے نا, آرام کم کیا تھا, تو یہاں ایسا دکھائی دیا جیسے 2 لشکر. 3-4 جگہ جو دیکھا تو 4 لشکر انہیں دکھائی دیے.
अब हिरण ने रूम में सोचा, सोचने लगा कि चार लश्कर तो बाहर भेज दिए, हरेक में लाखों लाखों भेज दिए, तो मालूम नहीं मदीने में कितने होंगे। एक रोब उसके बनाया और वहीं से वो रुकू चक्कर हो गया और अल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा की हिफाजत की। याद रखना, कयामत तक इस उम्मत की खुदा इसी तरीके से हिफाजत करेगा। अगर ये उम्मत खुदा के दीन के तकाजों पर अपनी तबीयत के खिलाफ खड़ी होती रही, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बरकतों को लेकर तशरीफ लाए हैं, वो बरकतें हमारे घरों के अंदर दाखिल हो सकती हैं जब हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन को लेकर हम खड़े हो जाएं और खुदा के दीन की दावत को लेकर हम खड़े हो जाएं। अंसारी सहाबा की तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दीन के लिए दर बदर की ठोकरें खाई, इसी दीन के लिए आप घर पर घर जाया करते थे, इसी मुबारक दीन के लिए आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, इसी दीन की खिदमत और दावत के लिए आपके गले में फंदा डाला गया, आपके कंधे के ऊपर ओझड़ी डाली गई, आप दावत देते देते नहीं थकते थे और लोग सुनते सुनते थक जाते थे, आप दावत देने के लिए जाते थे तो कोई पीछे से आपके ऊपर धूल उड़ा रहा है और कोई आगे से आकर आपकी पेशानी मुबारक के ऊपर थूक रहा है। इसी खुदा के दीन की दावत पर आपकी दोनों बेटियों को एक साथ में तलाक भरी, इसी दावत दीन की बुनियाद पर 3 साल तक शेर में अभी तारीख के अंदर आपको रहना पड़ा, जिसमें हजरत खदीजा भी थी, जिसमें अबू तालिब भी थे और जिसके अंदर दूसरे सारे मुसलमान भी थे। 3 साल की मुश्किल के बाद में आप अंदर से निकले और निकलने के बाद अबू तालिब जो 42 साल से आपके खिदमत करते थे उनका भी इंतकाल हो गया और हजरत खदीजा का भी इंतकाल हो गया। और आप कहते मेरे लिए गम का साल है और मदीने वाले मेरी बात नहीं सुनते, चलो मैं ताइफ चलूं, शायद वहां वाले मेरी बात को सुने। ताइफ में जब आप तशरीफ ले गए तो ताइफ वालों ने इतना बुरा मामला किया कि आपके ऊपर पथराव किया गया और आपके दोनों तरफ आदमी खड़े कर दिए गए और पत्थर मारने शुरू किए। आप जमीन के ऊपर बैठ जाते थे, फिर आपको खड़ा किया जाता था और फिर आपको धक्के दिए जाते थे और आप जाते थे यहां तक एक पत्थर जोर का यहां पर लगा और आप बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में एक सहाबी थे, उन्होंने हजरत अब्दुल्लाह बिन हजरत ज़ैद बिन हारिसा रब्बिलन रवाहरी हजरत ज़ैद बिन हारिसा आपके साथ में थे, कंधे के ऊपर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और किनारे पर लाए बगीचे में और वहां पर थोड़ा सस्ता है, थोड़ा पानी डाला, तब जाकर आपको होश आया और होश आने के बाद आप कहते हैं कि ए अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु इलैका दाफा कुव्वती व क़िल्लत हैयती, ए अल्लाह मेरी तकदीर की कमी, ए अल्लाह मैं कमजोर हूं, अगर तू मेरे से नाराज नहीं तो मुझे इन तकलीफों की कोई परवाह नहीं है। ये दुआ वहां पर मांग रहे हैं, मक्के की तरफ जा रहे हैं। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने कहा ए अल्लाह के नबी, हम मक्के में कैसे दाखिल हों, मक्के वालों ने तो हमें निकाला, ताइफ वालों ने हमें दाखिल नहीं किया, अब हम मक्के में कैसे दाखिल हों, हमारी कोई बात तो सुनेगा नहीं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखनस इब्ने शुरैक को बुलाया और यूं कहा कि तू हमें पनाह दे दे ताकि हम मक्के में दाखिल हों। उसने कहा हम मक्के वालों का मुकाबला नहीं कर सकूंगा, मैं तुम्हें पनाह नहीं दे सकता। फिर सुहेल ने अमर को बुलाया, उसने भी कहा मैं पनाह नहीं दे सकता। फिर एक और आदमी को बुलाया, उसने कहा मेरी पनाह के अंदर तुम मक्के में चलो। आप मक्के में तशरीफ ले गए, उसने अपने लड़कों को खड़ा कर दिया और अभी जहल वगैरह से कहा कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा तुमने बाल टीका किया तो मेरे लड़के तुम्हारा मुकाबला करेंगे, मेरा कबीला तुम्हारा मुकाबला करेगा। तब जाके रसूल पाक से मक्का मुकरमा में दाखिल हुए। आपने देखा मक्के वाले मेरा साथ नहीं दे रहे, हज के जमाने में हज के काफले आते थे, हज के काफलों में आप जाते थे और हर काफले में जाकर कहते थे मैं अंसरूनी मैं अबीनी, पूरी दुनिया के लिए मेरे को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा, मेरी कौम मेरा साथ नहीं दे रही, कौन है जो मुझे अपने कबीले में ले जाए और मैं उनके साथ रहूं ताकि अल्लाह के दीन को मैं दुनिया में फैला सकूं। कि हम तुम्हें साथ नहीं दे सकते, हमारे चौधरियों ने हमें मना किया है। एक आदमी आया
उसने ऊंटनी को घोंचा मारा, वो ऊंटनी बिदक गई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के ऊपर गिर पड़े और गिर पड़े और फिर उठने के बाद फिर दूसरे कबीले में तशरीफ ले गए और उसे समझा रहे हैं, कोई बात के मानने को तैयार नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते फरमा दे कौन मेरा साथी, कोई साथ देने को तैयार नहीं। फिर मेरे मोहतरम दोस्तों, मदीने के छह आदमियों ने जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा, ऊंटनी को देखा, उन्होंने यहूदियों के वाज में आखिरी नबी के आने का तस्करा सुना था और हुलिया भी सुना था, उन्होंने कहा हो न हो यही वो आखिरी नबी है। वो छहों आदमी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में बैत हो गए, वहीं इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए और फिर मदीना मुनव्वरा गए, उन्होंने वहां फजा बनाई। अगले साल 12 आदमी आए, फिर उन्होंने एक आदमी मांगा, हजरत उसम बिन उमैर मदीना मुनव्वरा गए, फिर उन्होंने फजा बनाई, फिर 73 आदमी आए और उन्होंने आकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हजरत हम हैं आपका साथ देने वाले, आप मदीना मुनव्वरा चले, हम आपका साथ देंगे। चुनाचे वो लोग वापस गए, फिर मक्का मुकर्रमा से मुसलमान सारे मदीने की तरफ जाने लगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तनहा और हजरत सिद्दीक अकबर ये दोनों के दोनों मदीने की तरफ निकले, क्योंकि मक्का मुकर्रमा में कोई साथ देने वाला नहीं था। मदीने वालों ने कहा था कि हम आपका साथ देंगे। जिस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं तो मदीना मुनव्वरा के लड़के लड़कियां मर्द और औरतें सब खुशियां मना रहे हैं और बच्चियां छोटी छोटी पहाड़ों के ऊपर चढ़ चढ़कर दरख्तों के ऊपर चढ़ चढ़कर कह रही हैं जा नबीउल्लाह जा रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी आए अल्लाह के रसूल आए। और वो बच्चियां अरबी जबान के अंदर कह रही हैं तलाल बदर अलैना मिन सलियातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाह दाई। चौदहवीं रात का चांद वदा की पहाड़ियों से तुलू हो रहा है, हम लोगों के ऊपर अल्लाह का शुक्र करना वाजिब है। पूरे मदीने में एक चहल पहल, हर आदमी ये कहता है हमारे घर पर आप उतरे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी ऊंटनी जहां ठहरेगी वही मेरा मेजबान बनेगा। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के पास वो ऊंटनी ठहरी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर उतरे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकान भी एक तारीखी मकान है। सदियों पहले शाह कुब्बा एक बादशाह था, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश के 16 साल पहले एक बादशाह वहां से गुजरा, मदीना मुनव्वरा से आगे जाना था। उसके साथ 400 उलमा थे। जब वो लोग मदीने में दाखिल हुए, नाम उसका यसरिब था उस मदीना मुनव्वरा का, तो उलमा ने बादशाह से यूं कहा कि बादशाह सलामत आप तो आगे चले जाओ, हम तो इसी शहर में रहेंगे। बादशाह ने कहा क्यों, तो उसने कहा कि आखिरी नबी आने वाले हैं, हमारी किताबों में वो जिस जगह पर पैदा होंगे वहां वाले उन्हें बहुत सताएंगे, वो अपना वतन छोड़कर जहां आएंगे वो ये मदीना है, पर यहां वाले उनका साथ देंगे, तो हम ये चाहते हैं कि हम यहीं पर बस जाएं। अगर हमारे जमीने में अल्लाह के वो नबी आ गए तो हम उनके साथी बनेंगे, नहीं तो हमारी नस्लें उनके साथी बनेंगी। शाह तुब्बा ने कबूल कर लिया, एक एक आलिम के लिए एक एक मकान बना दिया, उनकी शादियां कर दी ताकि वो नस्ल चले, और एक मकान खास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाए और कहा इसके अंदर वो आखिरी नबी ठहरेंगे, और एक आलिम भी ठहरा दिया और यूं कह दिया तुम्हारे जमाने में आमे तो उनको ठहरा देना, नहीं तो तुम्हारी नस्लों से कह देना, नस्लम बाद नस्लिन ये खबर पहुंच जाए कि यह आखिरी नबी के लिए मकान बनाया हुआ है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी आलिम के औलाद में थे और उस शाह तुब्बा ने एक खत दिया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और उसके अंदर इजहार किया था अपने जज्बात का और वो खत अब तक किताबों के अंदर छपा हुआ है और उस खत के अंदर उसने ये लिखा था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसने
ये कबूल किया था कि मैं आपको अल्लाह का नबी मानता हूं। शहीद तो अला अहमद अन्नहू रसूलू